अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का चीन के साथ मौजूदा विवाद को लेकर पीएम मोदी से बात की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि चीन को लेकर पीएम मोदी का मूड ठीक नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से जब पूछा गया कि क्या भारत चीन के बीच सीमा पर चल रही तनातनी से वो चिंतित हैं, इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि पीएम मोदी महान इंसान है और वो मोदी को पसंद करते हैं, लेकिन चीन के साथ जैसा चल रहा है उसको लेकर पीएम मोदी अच्छे मूड में नहीं है। They have a big conflict going with India and China. Two countries with 1.4 billion people. Two countries with very powerful militaries. And India is not happy and probably China is not happy. But I can tell you, I did speak to Prime Minister Modi. He's not in a good mood about what's going on with China. और इस वक्त हमारे सहयोगी संदीप बोल हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, पहले से ही चीन अमेरिका के निशाने पर है कोरोना मामले को लेकर, और इस सब के बीच चीन के साथ जो भारत का विवाद चल रहा है उस पर ट्रंप का मोदी से बात करना और ये कहना कि प्रधानमंत्री मोदी ठीक मूड में नहीं है, किस तरीके से देखा जाए? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी का मूड ठीक नहीं है चीन के साथ जो विवाद चल रहा है। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके की स्थितियां बनी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे उनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ था उसके बाद से चीन के साथ एक अच्छी बेहतर दोस्ती की जो है शुरुआत की गई थी। विवाद भले ही हुए, वुहान का मामला हुआ, उसके बाद जो है लगातार या उनके मूड के बारे में पता लगा, क्योंकि इस तरीके के बयान हम लोग लगातार पीछे देखते भी आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके की बयानबाजी करते हैं, लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरीके के रिश्ते सुधारने के लिए जो है मोदी सरकार आगे बढ़ रही थी, खासतौर पर अपने पड़ोसी देशों से, अगर पाकिस्तान को ही छोड़ दिया जाए बस, तो ऐसे में ये इस तरीके का विवाद कहीं ना कहीं जो है जरूर थोड़ा सा चोट जरूर पहुंचाता होगा। लेकिन जिस तरीके का दावा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं उस पर अभी तक किसी भी तरीके का कोई आधिकारिक बयान जो है वो नहीं जारी किया गया है, विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी नहीं हुआ है। जी संदीप, राजस्थान में टिड्डियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। राज्य के 20 जिलों में टिड्डियों के अलग अलग दल फैल चुके हैं और ये टिड्डियां खेतों में लगी फसल को तेजी से बर्बाद कर रही हैं। हवा की दिशा में उड़ने वाली टिड्डियों के कई दल मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों में भी पहुंच चुके हैं और यह खतरा मामूली नहीं है। अनुमान है कि एक दल में लाखों टिड्डियां हो सकती हैं जो एक दिन में हजारों लोगों का खाना चट कर सकती हैं। राजस्थान के दौसा जिले में तो ये टिड्डियां हजारों एकड़ में फैली फसल को साफ कर चुकी हैं। टिड्डियों के हमले से राजस्थान का दौसा जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। दौसा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का है, वहां से अब उत्तर प्रदेश की सीमा की तरफ ये लगातार ये टिड्डी दल बढ़ रहा है और इसी लोकस फॉर्म के बीच में हम इस वक्त मौजूद हैं। काफी परेशानी का सबब तमाम किसानों के लिए, सरकार के लिए ये बना हुआ है। टिड्डियों के दलों को ढूंढकर प्रशासन उन्हें मारने में जुटा है। दौसा में भी बड़े पैमाने पर लाखों टिड्डियों को अब तक मारा जा चुका है। एक पेड़ के पास तो कई टिड्डियां मरी हुई नजर आईं। जहां ये ठहरता है ना रात्रि में, वहीं पे इनका कंट्रोल किया जाता है। जो केमिकल स्प्रे से तो वहीं पे किया जा सकता है, क्योंकि जहां ये एक जगह बैठेगा वहीं पे आपको स्प्रे से इसके नतीजे आएंगे, ये मरेगा। अधिकारियों ने बताया कि टिड्डियों का रंग पीला होने पर वो और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। ये मैं देख रहा हूँ, एक पीली टिड्डी, ये पीली टिड्डी है। ये अडल्ट टिड्डियाँ, जब ये पीली हो जाए मतलब अडल्ट हो जाती है टिड्डियाँ, तो इनका कलर पीला पड़ जाता है और इसके बाद ये एग लेइंग करती है। एग लेइंग करने के बाद इनका जीवन चक्र ये 60 से 65 दिन के अंदर खत्म हो जाती है। राजस्थान सरकार की दलील है कि टिड्डियों के दलों को मारने के लिए उसकी तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है और लोगों से ये भी अपील की जा रही है कि वो शोर शराबा करके टिड्डियों को भगा सकते हैं। ये उपाय टिड्डियों को खत्म तो नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जब शोर होता है तो टिड्डियां एक जगह ठहरने के बजाय दूसरी जगह के लिए उड़ जाती हैं, जिसकी वजह से अब राजस्थान में किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए इस उपाय को अपना रहे हैं। धौलपुर के गांव में तो लाउडस्पीकर पर तेज गाने बजाकर टिड्डियों को किसानों ने भगाने की कोशिश की। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में भी टिड्डियों ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। जयपुर से तो टिड्डियों के हमले की चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक मकान की छत पर टिड्डियों का झुंड देखा गया। सीढ़ियों पर लिपटी हुई हजारों टिड्डियों ने इलाके के लोगों को डरा दिया। आज तक मैंने मेरी लाइफ में ऐसा सीन नहीं देखा है, ये बहुत ही डेंजरस पोजीशन दिख रही है। दौसा में भी टिड्डियों को भगाने के लिए किसान थालियां और दूसरी चीजें बजाते हुए दिखाई दिए। राजस्थान में इन दिनों टिड्डियों का प्रकोप है और प्रकोप कुछ इस कदर है कि किसानों को दोपहर के वक्त इतनी तेज धूप में
अपने खेतों में खड़े होकर इस तरीके से ढोल बजाने पड़ते हैं, इस तरीके से ड्रम बजाने पड़ते हैं। राजस्थान के जोधपुर में तो फसल को टिड्डियों से बचाने के लिए एक किसान ने अनोखा तरीका अपनाया। किसान ने खेतों में एक पंखा लगा दिया और उसके दोनों तरफ बर्तन टांग दिए। इन बर्तनों को पंखे से इतनी दूरी पर रखा गया कि जब पंखा चले तो उसकी पंखुड़ियां बर्तनों से टकराएं और इससे आवाज निकले। इसके एक वीडियो में ऐसा दिखाई भी दिया। पंखुड़ियों के बर्तनों से टकराने से वहां शोर होने लगा और शोर शराबा करके टिड्डियों को भगाने के लिए किसान की तरफ से यह अनोखा तरीका अपनाया गया। ऐसा अनुमान है कि टिड्डियों का यह खतरा आने वाले दिनों में ज्यादा बढ़ सकता है। पाकिस्तान से राजस्थान और राजस्थान से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में टिड्डियों के दल पहुंच चुके हैं और आशंका जताई जा रही है कि टिड्डियों के ये दल हरियाणा और दिल्ली भी पहुंच सकते हैं। हरियाणा के कई जिलों में तो चेतावनी भी जारी कर दी गई है। कहा जा रहा है कि 2 से 5 किलोमीटर लंबे टिड्डियों के ये दल 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 150 किलोमीटर तक उड़ सकते हैं। हरे भरे इलाकों की तलाश में टिड्डियों के ये दल कई बड़े शहरों में भी दस्तक दे सकते हैं, जैसा कि अभी जयपुर में देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि 1 किलोमीटर से लंबे एक दल में 8 करोड़ टिड्डियां हो सकती हैं, जो एक दिन में 35,000 से ज्यादा लोगों का खाना तक चट कर सकती हैं। राजस्थान सरकार के मुताबिक राज्य के 20 जिलों में अब तक 90,000 एकड़ में फैली फसलों को टिड्डियां नुकसान पहुंचा चुकी हैं। और इस बीच एक अहम खबर, चीन से विवाद पर डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता वाले प्रस्ताव को भारत ने खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि भारत इस मसले के शांतिपूर्ण ढंग से समाधान के लिए चीन के संपर्क में है। ये संपर्क राजनयिक और सैन्य दोनों स्तर पर किए गए हैं। इससे साफ है कि इस मुद्दे का समाधान भारत द्विपक्षीय स्तर पर चाहता है, ना कि मध्यस्थता के जरिए। तो अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये प्रस्ताव दिया गया था कि अगर भारत चाहता है तो वो इस मामले में हस्तक्षेप के लिए तैयार है, मध्यस्थता के लिए तैयार है, लेकिन भारत ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। द टू साइड्स हैव एस्टैब्लिश्ड मैकेनिज्म्स बोथ एट मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक लेवल्स टू रिजॉल्व सिचुएशंस व्हिच मे अराइज इन बॉर्डर एरियाज पीसफुली थ्रू डायलॉग। वी कंटिन्यू टू रिमेन एंगेज्ड थ्रू दीज चैनल्स। अम्फन तूफान को गुजरे एक हफ्ता बीतने के बावजूद बंगाल में लोग सरकारी मदद का इंतजार करने को मजबूर दिखे। न्यूज 18 इंडिया की टीम उत्तर 24 परगना जिले के उन हिस्सों में पहुंची जहां तूफान ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। लेकिन हैरानी की बात यह कि अब तक लोगों के घरों की मरम्मत नहीं हुई। जिन घरों की छतें अम्फन तूफान ने छीनी थी, वहां अब तक लोगों के सिरों पर छत नहीं है। तूफान घर का सारा सामान भी बहा कर ले गया, इसलिए लोगों की जिंदगी ही हाशिए पर पहुंच गई। उत्तर 24 परगना में इस समय में हूँ, इस घर की छत अब नहीं रही, अम्फन की भेंट चढ़ चुकी है। उत्तर 24 परगना जैसे ही हालात पश्चिम बंगाल के कई जिलों के हुए। तूफान से सबसे ज्यादा नुकसान समुद्र के पास वाले इलाकों में हुआ। उन लोगों का नुकसान हुआ जो कच्चे मकानों में रहते थे। ऐसी कुछ जगहों तक पहुँचने के रास्ते तो ऐसे हैं कि कार से पहुँचा ही नहीं जा सकता। ये वो रास्ते हैं जहाँ पर गाड़ी भी नहीं जाती है। ग्राउंड जीरो तक पहुँचने के लिए न्यूज 18 इंडिया की टीम इस वैन रिक्शे पर सवार होकर आगे का रास्ता तय कर रही है। प्रधानमंत्री ने तूफान के 2 दिन बाद बंगाल को 1,000 करोड़ देने का ऐलान किया था। बीजेपी का दावा है कि रकम राज्य सरकार को मिल चुकी है, लेकिन जरूरतमंदों तक नहीं पहुंची। 20 मई को आया अम्फन तूफान पिछले 100 साल में बंगाल में आया सबसे ताकतवर तूफान था। 24 घंटे नहीं गए, राशि पश्चिम बंगाल के राजकोष में आ गया। इसके बाद आज चौथा दिन निकल गया है, ये राशि कहां है किसी को कोई पता नहीं। अहम खबर, लॉकडाउन के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है। इस बातचीत में 31 मई के बाद की रणनीति क्या होगी उस पर चर्चा हुई है। लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई को खत्म हो रहा है। गृहमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लॉकडाउन पर सुझाव भी मांगे हैं। तो गृहमंत्री अमित शाह की सभी मुख्यमंत्रियों से, राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत हुई है और बताया जा रहा है कि 31 मई को लॉकडाउन का जो चौथा चरण खत्म हो रहा है उस मुद्दे पर चर्चा की गई है कि इस चौथे चरण के बाद की रणनीति क्या हो। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तोड़ने के आरोप लगे, जिस पर बीजेपी ने उद्धव सरकार को घेरा। पूरा विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब अबू आजमी का रेलवे स्टेशन का एक वीडियो सामने आया।
जिसमें वो भीड़ के बीच खड़े दिखे। बताया गया कि ये वीडियो दो दिन पहले का है, जिसमें बहुत सारे ऐसे मजदूर दिखाई दिए जो गांव लौटने के लिए स्टेशन तो पहुंचे, लेकिन उन्हें ट्रेन नहीं मिल पाई और हार मानकर उन्होंने स्टेशन पर धरना दे दिया। इस बीच अबू आजमी भी वहां पहुंचे। वीडियो में वो एक पुलिस इंस्पेक्टर से बहस करते नजर आए, जिसके बाद उन्होंने मजदूरों से बात की और धरने में उनका साथ देने का वादा किया। लेकिन इन सबके बीच वीडियो में कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आई। कल 2 बजे तमाम हमारे समाजवादी पार्टी के वर्कर और आम जनता जो इससे दुखियारी है, किसी पार्टी के भी लोग हैं, वो आ जाए यार। बीजेपी ने इसी बात पर अबू आजमी को घेरा और आरोप लगाया कि उन्होंने लॉकडाउन के नियमों को तोड़ा और सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा होने का फायदा उठाया। सत्ताधारी पार्टी का नेता विधायक लोगों को भड़काते हैं और एक महिला पुलिस अधिकारी को पाप के ऊपर से बोलते हैं और ठाकरे सरकार शांत है। जिसके बाद महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी की सहयोगी पार्टी कांग्रेस उनके बचाव में उतर आई। पहले भीड़ उतरी थी, उन्होंने जाकर लोकप्रतिनिधि जाके उनको समझ ये करता है कि जरा आप भीड़ रखो, हो जाएगा कुछ, तो उन्हें नजदीक तो जाना ही होता है। दिल्ली NCR में मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया और हल्की बारिश के साथ ही ठंडी हवाओं के झोंकों ने लोगों को गर्मी से राहत दी, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। रात में करीब 9 बजे दिल्ली का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और नोएडा का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। पिछले कुछ दिनों से लोगों को लगातार लू के थपेड़ों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन हल्की बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। खराब मौसम की वजह से अमेरिका की एक निजी कंपनी स्पेसएक्स को आखिरी पलों में अपने अंतरिक्ष यान की लॉन्चिंग टालनी पड़ी। स्पेसएक्स अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजने वाली थी और इसके लिए सभी तैयारियां भी पूरी हो चुकी थी। रॉकेट में ईंधन भी भरा जा चुका था, लेकिन खराब मौसम की वजह से मिशन को सिर्फ 17 मिनट पहले रोक दिया गया। मिशन से ठीक पहले स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क भी वहां पहुंचे और दोनों अंतरिक्ष यात्रियों से बातचीत की। अंतरिक्ष यात्रियों ने अपने परिवार वालों से भी मुलाकात की, जिसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें लॉन्च पैड तक पहुंचाया गया। यहां वो एक लिफ्ट के जरिए रॉकेट के ऊपरी हिस्से में मौजूद अंतरिक्ष यान तक पहुंचे। अंतरिक्ष यात्रियों के स्पेस कैप्सूल में पहुंचने के बाद एक बार फिर सारी चीजें जांची गईं और रॉकेट को उड़ान के लिए तैयार किया गया। उड़ान भरने में कुछ मिनट ही बाकी थे, लेकिन तभी खराब मौसम की वजह से काउंटडाउन को रोक दिया गया। नासा के मुताबिक अब शनिवार को इसे दोबारा लॉन्च किया जाएगा। और इस बीच अहम खबर, खुफिया एजेंसियों ने कश्मीर में सुरक्षा बल पर आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। खबर है कि आईडी के जरिए सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बनाया जा सकता है। ये अलर्ट भी जारी किया गया कि श्रीनगर के पंथा चौक पर आतंकी आत्मघाती हमले को अंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा आतंकी हाईवे, बाजार, फल मंडी, टोल प्लाजा को निशाना बनाने की फिराक में भी हैं। साथ ही आतंकी सोपोर में 4 से 5 आईडी हमले कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कुपवाड़ा बारामूला हाईवे पर भी आतंकी निशाना बना सकते हैं। तो ये खुफिया एजेंसियों की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। कश्मीर में सुरक्षा बल के जवानों पर हमले का अलर्ट खुफिया एजेंसियों की तरफ से जारी किया गया है। ट्रेन या बस से गांव लौटने वाले मजदूरों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। अदालत ने अंतरिम निर्देश दिया कि मजदूरों से ट्रेन या बस का किराया नहीं लिया जाएगा। अब इस मामले की सुनवाई 5 जून को होगी, लेकिन तब तक दोनों राज्य सरकारें, यानी कि मजदूर जिस राज्य से जा रहे हैं और जिस राज्य में जा रहे हैं, वहाँ की सरकारें मजदूरों का किराया अदा करेंगी। साथ ही राज्य सरकारों और रेलवे को मजदूरों को खाना और पीने का पानी भी मुहैया करवाना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब भी कोई राज्य सरकार ट्रेन मांगे तो रेलवे उसकी मांग को पूरा करे। इसके अलावा अदालत ने 2 टूक कहा कि अगर मजदूर की पहचान हो जाए तो उसे वापस भेजने की समय सीमा तय होनी चाहिए और किसी भी राज्य के पास ये अधिकार नहीं है कि वो मजदूरों को अपने यहाँ आने से रोक दे। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो इस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से विस्तृत रिपोर्ट देना चाहते हैं। कोर्ट ने उन्हें समय तो दे दिया और सुनवाई 5 जून तक के लिए स्थगित कर दी, लेकिन तब तक के लिए अंतरिम निर्देश जारी कर दिए। कोरोना से निपटने में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा का इस्तेमाल जारी रहेगा। नीति आयोग ने बताया कि देश में कोरोना वायरस से निपटने के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा का इस्तेमाल जारी रहेगा। हालांकि पिछले दिनों WHO ने इसके ट्रायल पर रोक लगा दी थी। केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में देश के 13 बड़े शहरों के नगर निगम कमिश्नर भी शामिल हुए। अनुमान है कि देश के 70% कोरोना वायरस के मामले इन्हीं 13 शहरों में हैं। इस बैठक में 31 मई के बाद लॉकडाउन लागू रखने या कुछ और छूट देने पर चर्चा हुई।
सूरत में कुछ लोगों ने दावा किया कि हाथ पर लगाई गई क्वारंटीन की मोहर से उनकी चमड़ी जल गई। लॉकडाउन के बीच श्रद्धा कपूर ने अपने भाई के साथ एक दुकान में जाने की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की और बताया कि इस दुकान में उन्हें कोई भी पहचान नहीं सका। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1000 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। दिल्ली में 24 घंटे में ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके साथ दिल्ली में कोरोना के कुल 16,281 मरीज हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 13 मरीजों की मौत भी हुई है, जिससे दिल्ली में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 316 तक जा पहुंची है, जबकि दिल्ली में अब तक 7,495 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। जम्मू में सेना ने कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए 100 बिस्तरों वाला एक अस्पताल तैयार किया। जिस बिल्डिंग में कोरोना अस्पताल बनाया गया वो एक आर्मी स्कूल है, जिसे सेना के जवानों ने 100 बिस्तरों वाले अस्पताल में तब्दील कर दिया। कोरोना के इस अस्पताल में साफ सफाई के साथ मरीजों के इलाज का पूरा इंतजाम किया गया है। आज भी जब देश कोविड की सूरत में एक बहुत बड़े संकट का सामना कर रहा है, तो ऐसे सूरत में भारतीय सेना के डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ साथ भारतीय सेना के जवान आगे आ रहे हैं। इस अस्पताल में सेना के ही डॉक्टरों की तैनाती भी की गई है, जो पूरे एहतियात के साथ काम करते नजर आए। वहां पर कोरोना को फैलने से रोकने के लिए अस्पताल के हर हिस्से को सैनिटाइज करने का भी इंतजाम किया गया। इतना ही नहीं, मरीजों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इस एरिया में जितने भी कोई अगर सिविलियंस को इस फैसिलिटी का जरूरत पड़ेगा तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू वो लोग यहाँ पर आएंगे और उनका यहाँ पर ट्रीटमेंट होगा। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मरीजों के बाद राज्य सरकार ने दिल्ली से लगने वाले अपने जिलों के बॉर्डर को सील रखने का फैसला किया है। हाईवे और मुख्य सड़कों के साथ साथ दिल्ली के साथ लगते तमाम जो कच्चे पक्के रास्ते हैं उनको भी सील किया जाएगा। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने दावा किया कि दिल्ली के साथ लगने वाले जिले हरियाणा के लिए बड़ी चिंता है, क्योंकि कोरोना के मरीज इन्हीं जिलों में ज्यादा मिले हैं। हालांकि अनिल विज ने यह भी साफ किया कि जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को दिल्ली से आने जाने की छूट दी जाएगी। हमने पहले भी सील किया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं से लोग निकल कर आ जाते हैं। मैंने दोबारा होम सेक्रेटरी को लिखकर कहा है कि जिन कैटेगरीज़ को हाई कोर्ट ने इजाज़त दी है या जिन कैटेगरीज़ को गृह मंत्रालय केंद्र ने अपने लॉकडाउन 4 के नोटिफिकेशन में इजाज़त दी है, उनको छोड़कर किसी को भी हरियाणा में आने की इजाज़त ना दी जाए। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एक मॉल में कोरोना वायरस रोकने के लिए रोबोट तैनात कर दिए गए। कोरोना के नए मामलों में कमी आने के बाद हाल ही में वहां के सभी मॉल खोल दिए गए, जिसके बाद एक मॉल में कई तरह के रोबोट दिखाई दिए। उनका इस्तेमाल लोगों को कोरोना से बचाने के लिए किया गया। कुछ रोबोट लोगों के तापमान की जांच करते दिखे तो कुछ उन्हें कोरोना से बचने की जानकारी देते नजर आए। उनके बीच एक अनोखा रोबोट भी दिखाई दिया जो जानवर की तरह था और कहीं भी जा सकता था। वो मॉल में घूम घूम कर लोगों को सैनिटाइजर देता नजर आया ताकि लोग अपने हाथों को साफ रख सकें। मॉल में खरीदारी करने पहुंचे कई लोग इन रोबोट को देखकर हैरान हो गए, लेकिन सबने सुरक्षा के उपायों को देखकर खुशी जाहिर की। A lot of excitement, like the kids especially love the robots, like everyone, it's a very new thing. बताया गया कि रोबोट की वजह से वहां ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना के एक दिन में रिकॉर्ड 334 मरीज बढ़े हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 4,536 हो चुकी है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 24 घंटों में बंगाल में कोरोना से 6 मरीजों की मौत भी हुई है, जिससे राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 223 तक जा पहुंचा है, जबकि 2,573 कोरोना मरीजों का इलाज अभी चल रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी क्वारंटीन सेंटर में ठहराए गए तबलीगी जमात के 900 से ज्यादा लोगों को अलग अलग जगह रखने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि सरकारी क्वारंटीन सेंटर में ठहराए गए तबलीगी जमात के 900 से ज्यादा लोगों को 9 जगहों पर रखा जाए और उनके खाने और बाकी के खर्च मरकज उठाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि सरकार इन लोगों का खर्च उठाने के लिए बाध्य नहीं होगी और तबलीगी जमात से जुड़े ये सभी 900 लोग अदालत की इजाजत के बिना कहीं नहीं जा पाए। ये सभी लोग विदेशी नागरिक हैं और निजामुद्दीन स्थित मरकज के कार्यक्रम में शामिल होने भारत आए थे। एक वीडियो में शिखर धवन का बेटा मस्ती करता नजर आया।
शिखर धवन ने लॉकडाउन में घर में कसरत करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें शिखर धवन का बेटा वहां मस्ती करता नजर आया। राजस्थान के सिरोही में एक अस्पताल में भर्ती कोरोना वायरस के मरीजों का सपना चौधरी के गानों पर डांस करने का वीडियो वायरल हो गया। दावा किया गया कि जयपुर में लॉकडाउन की वजह से एमए और बीएड की पढ़ाई कर चुके कुछ लोग मनरेगा के तहत मजदूरी करने को मजबूर हैं। हमारी जॉब थी, स्कूल में पढ़ाने का काम था, तो मालिकों के द्वारा कहे जाने पर वही अभी काम नहीं है, तो इस चक्कर से हमें मजबूरी बस नरेगा के अंदर अप्लाई करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में कई चमगादड़ों की मौत के बाद कुछ लोगों ने कुछ पक्षियों में भी इस तरह के खतरे की आशंका जताई। फिलहाल इस मामले के बाद वहाँ सभी लोग एहतियात बरत रहे हैं। परसों से चमगादड़ 20-25 चमगादड़ डेली मर के गिर रहे हैं। राजस्थान के झालावाड़ में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ उनके बेटे और सांसद दुष्यंत सिंह के लापता होने के पोस्टर लगाए गए। पोस्टरों के खिलाफ बीजेपी ने नाराजगी जताई, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया। मैं जिला प्रशासन और पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे सोशल मीडिया पर चलाने वालों और ऐसे लोगों ने जो पोस्टर डाले हैं उनके खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करे। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में पुलिस की एक बदमाश से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान इनामी बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाश का नाम सचिन बताया जा रहा है, जिस पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम रखा था, जिसके पास से एक तमंचा भी बरामद हुआ है। पुलिस ने बदमाश के आने की सूचना के बाद घेराबंदी की। आरोप है कि पुलिस ने जैसे ही बदमाश को रोका, उसने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। सचिन नाम के इस बदमाश पर रिटायर्ड कर्नल की गाड़ी लूटने का आरोप है, जिसे पुलिस ने पहले ही बरामद कर लिया था, लेकिन ये इनामी बदमाश फरार हो गया था। रिटायर्ड कर्नल से स्कॉर्पियो लूट लिया था बदमाशों ने, उसमें कुछ बदमाश पहले भी जेल जा चुके हैं। ये सचिन नाम का बदमाश है जो उसमें वांटेड था और 25,000 रुपये का इनामी है। इसके पीछे पुलिस काफ़ी दिनों से लगी हुई थी, लेकिन आज इससे पुलिस की मुठभेड़ हुई है चूहड़पुर रोड के पास में, और इसे दाहिने पैर में सिर्फ गोली लगी है। इसको जिला अस्पताल भेजा गया है, बाकी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कोरोना वायरस की वजह से लगी पाबंदियों में ढील के बाद अमेरिका के कोलोराडो में स्कीइंग शुरू हो गई। मार्च की शुरुआत में ही वहां कोरोना फैलने के डर से लोगों के बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन जैसे ही उन पाबंदियों को हटाया गया, कई लोग स्कीइंग करने के लिए पहुंच गए। बर्फ से ढके पहाड़ों की ढलान पर स्कीइंग का मजा लेने के लिए लंबी कतारें लग गईं। कई हफ्तों तक घरों में कैद रहने के बाद लोगों के लिए ये शानदार मौका था, और इसलिए वो काफी जोश में दिखे। खबर है कि स्कीइंग करने के लिए लोगों की संख्या फिलहाल सीमित रखी गई, ताकि कोरोना के खतरे से उन्हें बचाया जा सके। इसके अलावा वहां पहुंचने वाले लोगों के तापमान की भी जांच की गई। लोगों ने भी अपनी सुरक्षा के लिए मास्क लगा रखे थे। बताया गया कि इस मौसम में वहां स्कीइंग करने वालों की भारी भीड़ होती है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से काफी एहतियात बरते गए। और अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,598 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 59,546 तक जा पहुंची है। इतना ही नहीं, राज्य में एक दिन में कोरोना से 85 मरीजों की मौत भी हुई है, जिससे महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 1,982 तक जा पहुंचा है। सिर्फ मुंबई की अगर बात की जाए तो सिर्फ मुंबई में ही कोरोना के 35,485 मरीज हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश के बाद लोगों को गर्मी के सितम से राहत मिल गई। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में पिछले कई दिनों से पारा 45 डिग्री से ऊपर बना हुआ था, लेकिन मौसम ने करवट ली, जिससे गर्मी से झुलस रहे लोगों को थोड़ी राहत मिल पाई। मुरादाबाद में तो तापमान 44 डिग्री से खिसककर 38 डिग्री पर पहुंच गया। जिले में आधे घंटे से ज्यादा देर तक बादल बरसे। मई में मुरादाबाद के लोगों को बारिश से राहत मिली है, जहां पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया था, आसमान से आग बरस रही थी, वहीं अब मुरादाबाद में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है। मुरादाबाद की तरह शाहजहांपुर जिले में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, हालांकि कई जिलों में गर्मी का सितम बना रहा। कानपुर में तो लोगों को 45 डिग्री का टॉर्चर झेलना पड़ा। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश हो सकती है, जिससे तापमान नीचे गिर सकता है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस है जो भी अफगानिस्तान के ऊपर है, उसके प्रभाव से
जे पूरा का पूरा रेनफॉल एक्टिविटी से होने के कारण जे टेम्परेचर्स में काफ़ी गिरावट आ जाएगी कल से स्पेसिफिकली और हीट वेव अवेट हो जाएगी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद और मरकज से जुड़ी अहम जानकारी सीबीआई को सौंप दी है। खबर है कि सीबीआई ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच से मौलाना साद और मरकज से जुड़ी अहम जानकारी मांगी थी, जिसमें हवाला कनेक्शन और विदेशी चंदे से जुड़ी जानकारी शामिल थी। इससे पहले ईडी और आयकर विभाग मौलाना साद और मरकज से जुड़ी जानकारी सीबीआई को सौंप चुके हैं। ऐसे में अब सीबीआई मौलाना साद और मरकज पर केस दर्ज कर सकती है। बिहार की राजधानी पटना के गार्डनर अस्पताल में एक डॉक्टर और दारोगा सरेआम उलझ पड़े और एक दूसरे को देख लेने की धमकी तक दे डाली उन्होंने। बताया गया कि कोतवाली थाना के दारोगा इलाज के लिए अस्पताल गए थे, लेकिन किसी बात पर उनकी एक डॉक्टर से बहस हो गई और इस विवाद का वीडियो कुछ ही देर में वायरल हो गया। अस्पताल के दरवाजे पर डॉक्टर और दारोगा बहस करते दिखे। बताया गया कि दारोगा ने अचानक अपमानित करने वाला एक शब्द कह दिया। इसके बाद तो वहां मौजूद डॉक्टर और एक महिला कर्मचारी बुरी तरह भड़क गए। डॉक्टर के अंदर जाने के बाद दूसरे दरवाजे से एक सुरक्षा कर्मी आया, जिसने दारोगा को समझाने की कोशिश की, लेकिन इस बीच डॉक्टर कुछ ज्यादा ही तैश में आ गए। दारोगा के तेवर ढीले दिखे तो डॉक्टर को कुछ ज्यादा ही ताव आ गया और लगे हाथ जेल भेजने की भी उन्होंने धमकी दे डाली। जेल भिजवा देंगे तुमको, जेल भिजवा देंगे। डॉक्टर के तेवर देख दारोगा कुछ देर के लिए वहां से हट गए और किसी को फोन मिलाते दिखे। दारोगा को जाते देख डॉक्टर की आवाज और ऊंची हो गई। तुम नौकरी क्यों कर रहा है? तुम नौकरी क्यों कर रहा? सरेआम अपनी बेइज्जती होती देख दारोगा डॉक्टर की तरफ फिर से बढ़े, लेकिन वहां मौजूद लोगों के समझाने के बाद वो लौटते दिखे। हालांकि इससे डॉक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने जेल भिजवाने की धमकी के बाद नई धमकी देकर रही सही कसर भी पूरी कर डाली। दारोगा और डॉक्टर की इस लड़ाई को देखकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे मरीज हैरान नजर आए। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बीजेपी कार्यकर्ता ने टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया है। बताया गया कि बीजेपी कार्यकर्ता अपने साथी की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे, उसी वक्त टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। तस्वीरों में भी साफ दिखा कि एक आदमी डंडे से गाड़ियों के शीशे तोड़ रहा है, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता अपनी जान बचाकर वहां से चले गए। बताया गया कि अचानक हुए इस हमले में बीजेपी का एक नेता जख्मी हो गया। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में जरूरी सुरक्षा उपकरणों और वेतन की मांग करते हुए डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। वहां कोरोना से अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 13,000 से ज्यादा लोग अब तक इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं और यह आंकड़ा रोजाना बढ़ता ही जा रहा है, जिसके बाद कई डॉक्टरों ने जरूरी सुरक्षा उपकरणों की मांग करते हुए सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर अपने हाथों में पोस्टर लिए बीच सड़क पर खड़े हो गए और वहां से गुजरने वाले हर एक शख्स को पोस्टर दिखाकर अपनी परेशानी बताते नजर आए। इस दौरान वहां से गुजर रहे कई डॉक्टर भी अपने कोट को खिड़कियों से दिखाते हुए उनका समर्थन करते नजर आए। सड़क पर उतरे डॉक्टरों ने आरोप लगाया कि सरकार न तो उनकी सुरक्षा का ख्याल रख रही है और न ही उन्हें समय पर वेतन दिया जा रहा है। राजस्थान में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 251 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 8,067 तक जा पहुंची है। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 7 मरीजों की मौत भी हुई है, जिसके बाद राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 180 हो गई है। तो राजस्थान में ये आंकड़ा पिछले 24 घंटे का, कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर अब 8,067 तक जा पहुंची है। आपको बता दें 24 घंटों में कोरोना के 7 मरीजों की मौत भी हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे पुलिस वाले भी लगातार इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र के 131 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद पूरे राज्य में कोरोना की चपेट में आने वाले पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़कर करीब 2100 पहुंच गई, जिनमें 236 पुलिस अधिकारी और 1,859 अन्य पुलिस कर्मचारी शामिल हैं। हालांकि इनमें करीब 900 पुलिसकर्मी कोरोना को मात देकर घर भी लौट चुके हैं, जबकि कोरोना की वजह से 22 पुलिस वालों की मौत हो चुकी। सुष्मिता सेन ने कसरत करने का एक वीडियो शेयर किया,
सुष्मिता सेन ने सोशल मीडिया पर अपने दोस्त रोमन के साथ कसरत करने का एक वीडियो शेयर किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल का दौरा किया, जहां मुख्यमंत्री ने मरीजों से बात की और अस्पताल में मिल रही सुविधाओं के बारे में पूछा। चेन्नई के पुलिस कमिश्नर ने कोरोना वायरस के खतरे के बीच ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों को सुरक्षा के लिए कुछ मास्क बांटे। दावा किया गया कि यूपी के फिरोजाबाद में कोरोना वायरस के एक मरीज ने अस्पताल से भागने की कोशिश की और नीचे गिरने से उसकी मौत हो गई। तेलंगाना में खेतों के किनारे लगाई गई तारों की बाड़ में एक तेंदुआ फंस गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम तेंदुए को बचाने पहुंची तो उसने हमला कर दिया। हालांकि आखिर में किसी तरह तेंदुए को पकड़ लिया गया। रेलवे ने एक बार फिर लॉकडाउन के बीच अपने नियमों में बदलाव किया है। रेल मंत्रालय ने फैसला लिया है कि यात्री पहले की तरह 120 दिन पहले आरक्षित टिकट ले सकेंगे, यानी यात्री 120 दिन पहले टिकट रिजर्वेशन करा पाएंगे। ये सुविधा यात्रियों के लिए 31 मई की सुबह 8 बजे से उपलब्ध हो जाएगी। अभी यात्रा से 30 दिन पहले तक आरक्षित टिकट लेने की सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा यात्री 1 जून से यात्रा के लिए तत्काल टिकट और करंट बुकिंग जैसी सुविधा भी उठा पाएंगे। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मौजूद शोरूम में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन से भी ज्यादा गाड़ियां बुलानी पड़ी और 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि तब तक आग शोरूम के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले चुकी थी। आग इतनी बड़ी थी कि शोरूम से आग की ऊंची ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार उठता दिखा। जो आग पहले शोरूम के एक ही तरफ नजर आ रही थी, देखते ही देखते वो शोरूम के दूसरी ओर भी फैल गई। आग की वजह से ऐसी अफरा तफरी मची कि लॉकडाउन में इलाके के लोग अपने घरों से बाहर आ गए और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर भीड़ जमा हो गई। कोरोना वायरस के खतरे के बावजूद लोग सोशल डिस्टेंसिंग ही भूल गए। इस बीच फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पहुंची और दमकल कर्मी कॉम्प्लेक्स की तीसरी मंजिल पर आग पर काबू पाने की कोशिश करते नजर आए। कुछ पुलिस कर्मी भी उनकी मदद करते दिखे, लेकिन आरोप है कि फायर इंजन दमकल विभाग को कॉल करने के करीब 1.5 घंटे बाद आई। फायर ब्रिगेड को इन सबको सब लोगों को एक एक करके फोन करे, किसी ने रेस्पॉन्स नहीं दिया। डिले हुआ, गाड़ी होता तो और बच जाता, अगर सुरात में लग जाते तो। बरेली में इसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार का घर भी है। साथ ही बरेली शहर के विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के दफ्तर भी इसी कॉम्प्लेक्स में है। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है, हालांकि अंदाजा लगाया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, पर थोड़ा बहुत जो इनका लॉस हुआ है, जो सामान वगैरह रखा हुआ था। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में सरकारी केंद्र में गेहूं बेचने का इंतजार कर रहे किसान की मौत हो गई। बताया गया कि किसान की मौत हार्ट अटैक से हुई है। जिस वक्त किसान की तबीयत बिगड़ी, उनके गेहूं को तोला जा रहा था। और जैसे ही किसान की तबीयत बिगड़ने की खबर फैली, खरीद केंद्र पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और खरीद केंद्र पर भीषण गर्मी में किसानों को धूप से बचाने के इंतजाम की भी पोल खुलती दिखी। बताया गया कि किसान प्रेम सिंह को 19 मई को झलारा केंद्र पर गेहूं लेकर आने का मैसेज आया और जब 6 दिन के इंतजार के बाद भी उनका नंबर नहीं आया तो उन्हें एक दूसरे खरीद केंद्र पर जाने को कह दिया गया। यहाँ जब उनके गेहूं को तोला जा रहा था, तभी अचानक वो जमीन पर गिर पड़े। एक ट्राली तुल चुकी थी, दूसरी ट्राली उसकी आधी तुली थी और वो वहीं पर खड़ा था और आकस्मिक उसको चक्कर आकर उल्टी आई और वो गिर गया। हादसे की खबर मिलने के बाद से प्रेम सिंह के घर पर मातम का माहौल दिखा। हालांकि प्रेम सिंह को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। हादसे के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और राज्य के कृषि मंत्री का भी बयान आया। कृषि मंत्री ने किसान की मौत को खरीद केंद्र की लापरवाही से जोड़ने को गलत ठहराया। वो अगर गेहूं बेचने का इंतजार करें या ना करें, हार्ट अटैक किसी को भी आ सकता है, लेकिन इससे जोड़ना ये कहीं कहीं तक भी उचित नहीं।